हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। साल 2014 में आई हीरोपंती मूवी के पार्ट 2 के आने की खबर से टाइगर श्रॉफ के फैंस काफी एक्साइटेड थे और बेसब्री से मूवी के ट्रेलर का वेट कर रहे थे। लेकिन ट्रेलर रिलीज होते ही ऐसा लग रहा है मानो जैसे हर किसी की उम्मीदों पर पानी फिर गया हो। पूरे 3 मिनट और 40 सेकंड के ट्रेलर की स्टार्टिंग भले ही आपको इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन ट्रेलर में ऐसा कुछ नया देखने को नहीं है जो फैंस को एक्साइट करे। मूवी एक्शन से भरी हुई है, या ये कहें कि ओवर द टॉप एक्शन से भरी हुई है, जिसमें कुछ सीन ऐसे देखने को मिले हैं जिन पर यकीन करना ही इम्पॉसिबल लग रहा है। एक्शन को दिखाने की लिमिट क्रॉस होती हुई नजर आ रही है। देखिए, मूवी की स्टोरी में कुछ नया है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ट्रेलर रिलीज होते ही नेटिजंस ने ट्रेलर को वियर्डेस्ट ट्रेलर ऑफ द ईयर का टैग दे दिया है, क्योंकि ट्रेलर में कई हॉलीवुड सीन्स को हूबहू कॉपी करके दिखाया गया है। नेटिजंस का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर जमकर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जैसा कि एज्यूम किया जा रहा था कि ये मूवी नई स्टोरी के साथ साथ कई नए कैरेक्टर्स भी लेकर आएगी, हुआ भी ठीक वैसा ही, जिनमें लैला के वियर्ड किरदार में नजर आने वाले हैं वेरी टैलेंटेड नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनका कैरेक्टर ना सिर्फ वियर्ड बल्कि कॉपी भी लग रहा है। ट्रेलर में उनका इंसानों को मारना द डार्क नाइट के जोकर की सेम टू सेम कॉपी है। नेटिजंस यहां तक कमेंट्स कर रहे हैं कि आखिर कॉपी पेस्ट वाली मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट उनकी चॉइस पर भी सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा तारा सुतारिया भी इस मूवी में नजर आएंगी, और इस बार भी उन्हें कोई अलग तरह का रोल ऑफर नहीं किया गया है। इस मूवी में इयाना का किरदार निभाने वाली तारा सुतारिया बबलू यानी टाइगर श्रॉफ के साथ रोमांस करती हुई दिखाई देंगी। हालांकि ट्रेलर में उन्हें ज्यादा जगह नहीं दी गई है, लेकिन उनके 2-3 डायलॉग उनके रोल के बारे में साफ बताते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर मूवी के लीड कैरेक्टर यानी अपने हीरो टाइगर श्रॉफ की, तो उनका वही पुराना अंदाज देखने को मिला है, उनकी सिक्स पैक बॉडी, उनके स्टंट्स और उनकी एक्शन फाइट। हीरोपंती में उनके कैरेक्टर बबलू को सेम रखा गया है, जो अब एक लेवल अप होकर ऑन स्क्रीन दिखाया जाएगा। टाइगर एक्शन सीन्स में हमेशा से ही A1 नजर आते हैं। ट्रेलर देखने से ये साफ हो चुका है कि इस बार अपने हीरो का लेवल भी काफी हाई देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ मूवी का विलन यानी लैला भी पूरी टक्कर देता हुआ नजर आएगा, और उसे हराना या पकड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अहमद खान द्वारा डायरेक्टेड ये मूवी हीरो और विलन के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आने वाली है, जिसमें लैला का बढ़ता हुआ क्राइम रोकने के लिए क्राइम ब्रांच ने बबलू यानी टाइगर श्रॉफ को जिम्मेदारी सौंपी है। अब इस पकड़म पकड़ाई के खेल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो आने वाली 29 अप्रैल को ही पता चलेगा। लेकिन ट्रेलर पर मिल रहा रिएक्शन फिल्म मेकर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर स्टोरी में दम नहीं हुआ तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी खास नहीं कर पाएगी। आपका इस ट्रेलर पर क्या व्यू है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। सो गाइस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.